कान कान्हे तो नाल नाल देखो किन्नी लंबी सी। नॉर्मल जेड़े साज होंदे ने तकिया दे इन्ने होंदे पर अम्मा जी ने तो माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी लालटेन जेड़ी ना मुकम्मल साफ सुथरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर दी मेरे भैन भरा ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से भी ठीक। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे। अज दा व्लॉग कर दे शुरू। अम्मा जी ने ये वाले दो तारे लगाए होते और मुझे लगा इसके अंदर पता नहीं कितना खजाना होगा, कोई गोल्ड शोल्ड होगा, लेकिन नहीं कितना खजाना होगा, ये कपड़े ही होंगे। थोड़े वास्ते नाश्ता बनाओ। सच में चावल बहुत अच्छे बने थे गुड़ वाले ना, तो अभी मेरे ख्याल अम्मा जी कर अम्मा जी ने पेटी खोल के या ट्रंक खोल के बैठे ना। अम्मा जी ने ट्रंक के ऊपर दो दो ताले लगाए हुए थे और मैंने बोला कि अम्मा जी दिखाएं। तीन तीन आगे नहीं चलेंगे। रीला मशीन ते कपड़े शपड़े सी लेनी है। अच्छा बस लग ही रही है लकड़ी में। दिया तो बन गई है मजेदार करके। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मजेदार रोटी जड़ी ना तैयार हुई है। रोटी जड़ी ना साड़ी बड़ी हुंदी है क्योंकि असि पाकिस्तान के लोग इदा ही खाते हैं। कुछ लोग जड़े ना भी पाकिस्तान दे विच कुछ लोग खाते छोटिया रोटियां भी तो कुछ बड़िया भी। अस तो इदा दुल बड़े बचपन तो ही इदी खाधी हाँ बड़े बड़े पराठे तो हूँ मैं भी इदी बना। मेरे ने सिस्टर ने इंडिया तो उन्होंने कहा कि ना दूसरा भी रोटी तुम इन्नी वी बनाने हैं तो मैं हाँ जी असं इदी खाई दी है तो वह ना बनाते छोटी छोटी असं बनाने बड़िया बड़िया। लो जी अम्मा जी ने ना अपने नजेब का समान जरा ना खलारा पा लिया सारे इधर भी चीजा खिलदिया पी इधर भी खिलदिया पी। अज जड़ी ना किचन की सैटिंग है ना मैं चलो ना थोड़ी चेंज कर देने ताकि किचन जरा थोड़ा सोहना लगेगा हो जो टेबल है ना मैं सोचा कि इधरली खाली जगह तो ना सैट कर दनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना शाना खा के सफाई वगैरह भी कर ली है तो अम्मा जी ने दूसरा अम्मा जी ने अपना बिस्तरा वगैरह भी कर लिया। बाकी जो अम्मा जी के छोटी छोटी चीज़ा सी हैं वो अम्मा जी ने रख ली हैं तो हम अम्मा जी का बिस्तरा दिखाने और अम्मा जी के हाथ की कढ़ाई थानू दिखाने कि अम्मा जी कढ़ाई किदा कर दी कढ़ाई सिलाई आँदी फिर भुल गई। और जेडे ना इस चूल्हे से ज़्यादा अग पछग बाली दी ना इसलिए दीवार जी ना काली हो गई है नहीं तो अगे असी जो चूल्हा बनाया से ना जो दूसरा जरा सा पुराना किचन सर सैड तो ना काफ़ी थोड़ा इन्ना के फासला से हो गए पर रखिए कि दीवार काली नहीं होंगी सी तो नाले उत्तर अस रंग शंग भी किए थे इतने भी रंग शंग किए पर इतने ना सारे काले हो गए। हम दोबारा जरा ना असं इतने आ दीवार देखो पूरी काली हुई पी है उपर तक क्योंकि काला धुआं जा जा दीवार जी ने काली हो गई से इसलिए अम्मा जी कह रहे कि इन्हें पोचा लगा लें तो पोचा जरा सा तैयार ही है तो इधरली गिठी भी रहती है तैयार दीवार रही है अच्छी कहने दोनों कट्ठे ने एक बार पोचा लाने ताकि खुश्क हो जाए तो बर्तन जोड़े पहले कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैट्रेस झाड़ के साफ सुथरा करके ना ये उपर मैं कपड़ा बिछा रही हूँ क्योंकि ना जिस तरह बिल्लियाँ ना रात इधर कोई सौंदे नहीं कमरे ही होंगे तो इसलिए ना बिल्ली आने के ना इधर उत्तर खलारा पा जाती है तो रात में यह है कि मैट्रेस खड़ा कर दिया करूँगी दिन हों कि असं ना चलो बैठ के खाना शाना खा लिया या बैठ अम्मा जी बैठ जाते हैं देखो तो कि जी किचन की छत है तो हम नवी बड़ी है फिर भी इनू सीवी लग गई है आ देखिए ठंड खाने कान्हे दे नाल नाल देखो किन्नी लंबी सी। कुछ लोग सीवी कहते कुछ लोग सौंग कहते हैं
इन्हें ना कोई जगह नहीं छड़ी हैगी जिथे मतलब के ना हो समझ सोच आती है कि पूरे घर के सीवी लगी हुई। अलहमदुल्ला जी अम्मा जी ने इन्ना क्या किया ना अम्मा जी थक गए हूँ अम्मा जी बैठ गए चार पाई ते मैं क्या चलो उन्नी देर जी ना मैं इधरली दीवार जी दी खड़े खड़े ना पोछे लगा दें अलहमदुल्ला जी दीवार से तो मैं पोछा लगा लिया वा तो जो पोछा जरा ना वो खत्म हो गया से इसलिए ना बिच मिट्टी तो हैगी इसलिए ना मैं पानी पा के ना बस इन्ना कि पानी पा माँ जी ये सारे पास ही लगे अलहमदुल्ला जी उधर शहर भी दीवार तक पोछा लगा के अस बनी के उपर पोछा लगाया तो फिर इतने ना थोड़े छिट्टे सी रंग दे लाल दे भी पोछा लगा लिया तो इधर भी थोड़ी गिठी तो पोछा लाया इधर ने जो मैं पोछा लगा रही थी ना तो दूसरा जिमें कलर जहा बन के नहीं उतर जाती मिट्टी इसलिए उतर गई थी तो मैं हूँ उपर ना थोड़ी मिट्टी लाई तक खुश्क हो जाए फिर तो पोछा लाऊंगे ना तो फिर सोहना लगेगा। अलहमदुल्ला जी बाकी जो कमरा हम देखोगे खलारा जरा सारा समेट के सारा कुछ सैट कर दिता वा तो हम जो अम्मा जी का जहेज है ना वो थोड़े नाल शेयर करांगे तो जो अम्मा जी सिर्फ सर्दियों च इस्तेमाल करते हैं बाद च उन्होंने तीन तीन कपड़े च बन के रख दे बाद थोड़ा दिखानी है अम्मा जी की चीज़ा क्योंकि कमरे च ना नेरा जहा सही तरह पता नहीं चलता अम्मा जी की अरजाई कम से कम 6-7 किलो जी वजन ते जेड़े अम्मा जी को चुके ने अम्मा जी ने हुन राती ठंड लगी इसलिए कड्डिया जी कढ़ाई जेड़ी है ना जी देखो ए कुरेश नाल अम्मा जी कीती हुई है सुई धागे नाल अच्छा ए तरपाई करने वाली सुई धागा नहीं हुंदा ओदे नाल कीती है देखो किन्नी सफाई दी वाह जी वाह ये तो है ही है बाकी तुसी गल्ला सारियां छड्डो आ सराणा देखो माशाल्लाह अम्मा जी दे 4 फुट दा तो सराणा ही हैगा बहुत पुराना तकिया अम्मा जी दा पूरी मंजी ते तकिया चार पाई ते आंदा अम्मा जी हुन पासा भी लैन गे ना ते तकिया ते सिर रहेगा तकिया ते थल्ले नहीं जाएगा माशाल्लाह जी अम्मा जी दी ते रौनक लगी वाह जी वाह मेरा नहीं सोनी हाँ जी माशा माँ जी तुम जी चुन्नी ली ने बड़ी सोहनी है आए हाय नाल जड़िया ने तुम जेबियां जी पाई हुई अच्छा अम्मा जी एक च ना तुम भुजे दाने पा रहे एक मोबाइल जरा हाई फोन आ रख लिया ठीक हो गया इधर फोन है हैलो जी इधर ना सही हो गया अम्मा जी नाले आ तकी है थोड़ा है कमाल का और माशाल्लाह जी अम्मा जी ने थानू दिखा रहे तकिए का फड़ के कि ना तकिए तो तुम कमेंट करने कि अम्मा जी की कढ़ाई जी हाथ की है सफाई है कि किस तरह की कढ़ाई की है अच्छी लग रही है कि नहीं ते... लाल टैन देखो किन्नी गंदी हो गई काली सिया हो गई है आ देखो बिच कचरा किन्ना आ देखो काले रंग है कमरे का दरवाजा नहीं लगा सी कितना बुरा लगता सी हुण माशाल्लाह जी कमरा भी देखो ते दरवाजे नाल ना सज गया और देखो कि लालटेन का शीशा भी जड़ा ना सज गया हुण इन्हें भी चुका दिता
लो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी लालटेन जड़ी है ना मुकम्मल साफ सुथरी हो गई। अलहमदुल्ला जी रोटी भी मैं बना ली है। अम्मा जी मैं रोटी बनाने लग गई थी अम्मा जी ने बर्तन धोन लग गए थे बर्तन भी धुप गए तो रोटी भी बनी हूँ अंदर बैठ के गर्मा गर्म रोटी खाने हैं मैं अम्मा जी। अम्मा जी रोटी तैयार हो गई आ जाओ गर्मा गर्म खाइए। अम्मा जी तुम अंदर चल के बैठो मैं हाथ धो के ही आती हूँ। चला जी अम्मा जी ने ना अज अपना बिस्तरा ना बिछा के उस तो बाद तकिया देखो क्या हूं ना अम्मा जी पासा पुसा लैन गए ना अम्मा जी का सराहने तो थले सिर नहीं जाएगा सराहने तो उत्ते रहेगा। माशाल्लाह जी मोटी देखो किन्नी अरजाई है अम्मा जी हूं ना ठंड नहीं लगेगी रात अम्मा जी हूं कमरे से बाहर गए जिदा ही आते अम्मा जी को पुछते हैं कि अम्मा जी रात हूं थानू की होंगे वा थानू एक गल पुछ तुसी अरजाई देते लेटे ते खड़ोल पा जाते हैं मोटी अरजाई हूं तो नहीं ना होगी नहीं ये मोटी च भी हो जाती पता मैं सवे सिक दी सह सब सिलेंडर वाला जेड़ा गैस चूल्हा ना और कहंदी गैस वाला चूल्हा हां इन मुड़ सेकने ता लगता सही होनिया। अम्मा जी ना पहुंचे ते जेड़ी गल कर रहे है मुर्गी दे मुर्गी दे पंजे जेड़े हुंदे ना ओनु पहुंचे कहंदे ते अम्मा जी कहंदे के पहुंचे मतलब के मुर्गी दे पंजे खावांगे ना ते ओदे नाल ना दर्दां नाल सुकून हो जांदा ते अम्मा जी की हुंदा नाले कड़ोल पै जांदे ओ ते फिर नहीं ना पैणे जदों पंजे खा लेने ताकत होर नहीं पंदे फिर नहीं पंदे नहीं फिर अम्मा जी कहते नहीं पता चलो अम्मा जी ने पंजे खवा देंगे तो फिर अम्मा जी बिल्कुल सही हो जाएगी। अलहमदुल्ला जी रात के खाने का टाइम हो गया तो नाले खाने के रात रोटी तो नाल प्याज तो मिर्चा फ्राई की हुई है तो अम्मा जी ने खाना स्टार्ट करता बिस्मिल्ला करती मैं भी बिस्मिल्ला करती हूँ तो अज के ब्लॉग का मैं इतने एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे भैन भाइयों सा अज का ब्लॉग पसंद आएगा तो साढ़े चैनल लाइक करो शेयर करो सबसक्राइब करो और अपनी फैन जरूर शेयर करो। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखिए आबाद रखिए अपना और अपनी फैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़। खाना खाना मेरे भैन भरावां ने आ जाओ बिस्मिल्ला करते हैं और मजेदार प्याज से मिर्चा नाल रोटी खाने हैं। केड़े पहुंचे सलवार दे कुकड़ी दे कुकड़ी दे पहुंचे कुकड़ी दे कपड़े नहीं पौंदी।